हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 6.2। आगे मैंने एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर ए बी कंप्लीट करवा दिए थे और क्वेश्चन सी का 1 और 2 सम्स कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन सी का सम नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। 2000 / 100, तो 2000 है तो ये सबसे पहले हमने 200 को ध्यान में रख के 100 का टेबल बोलने का है। तो 100 टू ज़ा 200, तो यहाँ पे हम 2000 के नीचे 200 के माइनस करेंगे तो 0 0 आएगा, ऊपर 1 0 बचा है उसे हम नीचे ले लेंगे और ऊपर भी क्वार्टन में भी 0 रख लेंगे। ये रूल से कि जब नीचे 0 आता है और कुछ नहीं है तो ऊपर क्वार्टन में भी 0 रख देने का है। तो इसका आंसर आया क्वार्टन 20 एंड रिमाइंडर 0। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5500 / 100, तो यहाँ भी 5500 को हम सौ से 100 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आएगा 100 × 500, तो 5500 में से 500 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 500 बचेगा। तो नीचे फिर हमने 50 बचेगा और ऊपर से हमने 10 नीचे लिया तो 50 का हो गया 500, तो 100 × 500, तो 0 0 रिमाइंडर क्या है, 0। तो क्वोटेंट आया 55, रिमाइंडर 0। अब सम नंबर 5, 4983 / 100, यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं है इसीलिए आंसर में रिमाइंडर में 0 नहीं बचेगा, लेकिन कोई डिजिट बचेगा, देखते क्या करने का है। तो सबसे पहले 4998 को ध्यान में रख के हमें डिवाइड करने का है, तो 100 × 4 = 489 में से 400 माइनस करेंगे तो क्या लेफ्ट रहेगा, 98, ऊपर से लिया 3 तो हो गया 983। तो 100 × 9 = 900, तो 983 में से हम 900 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 83। तो आंसर आएगा क्वोटेंट इक्वल 49 एंड रिमाइंडर इक्वल 83। अब क्वेश्चन नंबर 6, 1403 / 100, ठीक है। हाँ, 1408 / 100, तो यहाँ भी 140 को ध्यान में रख के हम 100 का टेबल बोलेंगे तो 140 में से 100 माइनस करेंगे तो 40 लेफ्ट है, तो ऊपर से आया 8 तो 40 का क्या होगा, 408, तो 100 × 4 = 400, तो रिमाइंडर बच गया 8। तो यहाँ पे आता है क्वोटेंट इक्वल 14, रिमाइंडर इक्वल 8। अब नीचे आए दूसरा सम है 33008, तो यहाँ पे 33008 है, तो 370 को ध्यान में रख के 100 का टेबल बोलेंगे तो 370 में से 300 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 70। उसमें हम ऊपर से 8 ए वो नीचे लेंगे तो 70 का क्या हो गया, 708 हो गया। तो हम यहाँ 7 से 100 करेंगे तो 708 में से 700 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8। तो यहाँ पे आएगा क्वोटेंट इक्वल 317, रिमाइंडर इक्वल
रिमाइंडर इक्वल 8। ठीक है, अब सम नंबर 8, सम नंबर 8 है 50505, 50,505 डिवाइडेड बाय 100। तो सबसे पहले 505 को 3 डिजिट लेंगे तो 505, तो 105 सा 500, तो 505 में से हम 500 माइनस करेंगे तो नीचे रहेगा 5, ऊपर से आया 0, लेकिन 50 है वो 100 से कम है इसीलिए डिवाइड नहीं हो सकेगा। तो क्वोटेंट में हम 0 रखेंगे और ऊपर से 5 को लेंगे, तो दूसरी बार तो हो गया 505, तो यहाँ पे 100 का टेबल दूसरी बार 5 से चलेगा, तो 505 में से 500 माइनस करोगे तो 5 रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे क्वोटेंट इक्वल 505 एंड रिमाइंडर इक्वल 5। तो ये हो गए सब हमारे एक्सरसाइज 6.2 के सम नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सबको हमें किससे डिवाइड करने का था, 100 से। तो हमने सबको 100 से डिवाइड करके देखा। आप आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम्स के जब 50 है वो 100 से कम है तो वो डिवाइड नहीं हो सकती 100 से। तो हमें क्वोटेंट में 0 रख के फिर इसके बाद का जो डिजिट है वो नीचे लेने का है, तो 50 का क्या हो गया, 505 हो गया, और आगे हम इसे 500 से डिवाइड कर सकेंगे तो क्वोटेंट आएगा 5। ऐसे जब भी हम आगे कुछ स्मॉल है और जो डिवाइड से करने का 100 और रिमाइंड में 100 से कम है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि क्वोटेंट में 0 रख के दूसरा डिजिट नीचे ले सकते हैं और फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप फिर हम आगे करेंगे। अब सम नंबर क्वेश्चन नंबर डी और सम नंबर 1 मैं आपको फिर बोर्ड पे समझा देखूँ, लेकिन अब आगे ओरली भी हम कर सकते हैं। तो देखो डी में 1 है 7000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 सेवन सा 7000, जैसे 100 सेवन सा 700, 100 टू सा 200, ऐसे 1000 टू सा 2000, 1000 सेवन सा 7000। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 7000, तो 1 से तो 1 सेवन से तो 1000 सेवन सा 7000, तो 7000 में से 7000 माइनस करेंगे तो नीचे आएगा 0 रिमाइंडर एंड क्वोटेंट में आएगा 7। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर डी का 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड करेंगे 8404, तो यहाँ पे 8404 है, तो सबसे पहले हम 1008 सा करेंगे, 8404 में से 8000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बचेगा 404। तो 404 है वो 1000 से कम है, तो जब भी वो जिसे हम डिवाइड करते हैं इससे नीचे रिमाइंडर कम आ जाता है तो फिर आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में 8 से वो क्वोटेंट है और 404 है वो रिमाइंडर है। क्यों रिमाइंडर है इतना ज़्यादा, क्योंकि वो 100 से कम है, इसीलिए अब आगे हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऑलवेज
इसे डिवाइड करते हैं इसे स्मॉल होता है, तो उसे स्मॉल आ जाता है रिमाइंडर, तो फिर आगे हमें करना नहीं है सम्स। तो ये हो गया क्वार्टर 8 एंड रिमाइंडर 404। आगे का सम नंबर 3 नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।